एटीएम के मालिक विजय शेखर शर्मा को ब्लैकमेल करने वाली उनकी सेक्रेटरी 4 करोड़ का फ्लैट खरीदना चाहती थी। नोएडा प्लस के मुताबिक सोनिया धवन ने शेखर से आर्थिक मदद मांगी थी, जिसे नजरअंदाज करने पर सोनिया ने ब्लैकमेल करने की साजिश रची थी। साजिश के पीछे सोनिया के पति का बेरोजगार होना और उन्हें रियल एस्टेट में नुकसान होना बताया जा रहा है।